हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो भाई कल के व्लॉग में बता ही दिया था मैंने कि सुबह सुबह मैं निकलूंगा कावड़ लेने के लिए। तो अभी मेरी हो रही है पैकिंग और मैं निकल रहा हूँ कावड़ यात्रा के लिए। मेरे को तौलिया दे दो, ये एक छोटा ही दे दो, इतने क्या जरूरत है, एक बड़ा दे दो बस। छोटे का क्या करूँगा, नहीं इसके लिए तो परना वगैरह हो जाएगा, या यही बहुत है, बड़ा भी मत दो, ये छोटा तौलिया बहुत है, ये रख दे चीनू। तो गाइस अभी पैकिंग हो रही है, चीनू का एक बैग मैंने खाली करवा लिया है और अभी चल रही है पैकिंग। पैकिंग करके जल्दी से निकलता हूँ, ऑलरेडी लेट हो गए हैं। ये देखो भाई 12:55 यही हो चुकी है और जो दो लोग साथ जा रहे हैं उनके फोन पे फोन आ रहे हैं कि भाई जल्दी आ जा जल्दी आ जा। चलो एक छोटा हैंड टॉवल दे दो बस। तो गाइस पैकिंग हो गई है कम्प्लीट, थोड़ा सामान इस बैग में ले लिया है टिकटॉक वाले में और थोड़ा सा पिट्ठू बैग में है। भारी हो गया नहीं है? दो बैग में मेरा सामान आ गया, अभी मैं निकल रहा हूँ कावड़ यात्रा के लिए। चल बाय बाय। ओके अच्छे से बाय। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ कावड़ यात्रा के लिए गाइस, दो बैग लेके। अभी दो लोग हो रहे हैं उनको भी, मतलब उन्हीं के पास जा रहा हूँ। तो चीनू भी मेरे को स्कूटी से लेना, जब साथ जाएगी तो पकड़ कोई नहीं। अभी चीनू मेरे को स्कूटी से छोड़ के आएगी, फिर हम लोग उसके बाद अपनी यात्रा करेंगे कंटिन्यू। उससे पहले मंदिर भी होके आना मुझे। बाय। हर हर महादेव। ब्लेस यू। हर हर महादेव। बाय। हर हर महादेव। और अच्छे से घर पे वापस आइए, ठीक है? ओके बाय। तो गाइस घर वालों से हो रहा हूँ कई दिनों के लिए मैं, टाटा बाय बाय। चीनू मेरे को स्कूटी से छोड़ने जा रही है अभी। चलो भाई चलते हैं अपनी यात्रा पे। पहले पापा ने बोला था कि मैं बाइक से छोड़ आता हूँ, पर इसने जिद लगा ली कि मैं छोड़ के आऊंगी। बाय। मैं कह रही हूँ सब बढ़िया हो गया है। हाँ पर उमस हो रही है बहुत। चलो धूप नहीं है, सही रहेगा। चल ये बाइक किसकी है? चल पैर रखने का कोई, कोई ना, मैं आगे रख लूंगा। तो चल। तो गाइस चीनू स्कूटी पे मुझे छोड़ के आ रही है, हरिद्वार नहीं जा रही, यही तक छोड़ के आ रही है। गाइस मेरे जूते की पन्नी रह गई थी तो वापस पापा को बुलाया। हाँ ये वाला बैग भी छोटा, पन्नी और ये बैग रह गया था, इसमें मेरे शूज हैं। भाई चलो हम लोग रेडी हैं। तो सारे जाओ, सारे जाओ क्या बोलेंगे, सारे जाओ ना तुम, सारे जाओगे, देख लियो कदे फिर। चलो तो भाई सारे भाई लिकट लिए भाई अपने, बारिश भी आ रही है पापा की दया से। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय। हर हर महादेव। तो भाई लोग निकल गए हम लोग, और भारत ने भाई अपनी चैन उतार दी घर पे। तो मैंने भी अपनी भाई सोने की चैन निकाल दी, कह रहा था भाई घर पे रख दे, यार चोरी वोरी हो जाए, चोरी हो जाए, कोई स्नैच कर ले, कोई छीन ले, कोई चटका ले, तो अभी मैं घर पे पकड़ा देता हूँ। चीनू को बोल दिया घर पे आके यही रोक दो, एक पे रोक दे, ले चीनू ये चैन रख ले, चैन देनी थी मेरे को। ओके बाय बाय। हर हर महादेव। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से जाइयो। ओके ध्यान भी रखियो। ओके भाई, बड़े बाबा के सामने मंदिर में हाथ जोड़ लिए हैं हमने सब ने। तीसरा बंदा ये कल बताया था वैसे तो। तूने चोटी क्यों रख रखी, तूने, इसका नाम है साहिल, तूने चोटी क्यों रख रखी है? इससे लड़कियों पे ध्यान कम जाता है। ओह माय गॉड, ब्रह्मचारी हो रहा है तू तकती। तो भाई निकल गए हम लोग टेंपो में बैठ के, पीछे एक बज रहे हैं भगवान के गाने। और देखो 2 बजे ऐसा हो गया मौसम, जैसे 7 बज गए शाम के, बारिश होगी, बारिश बड़ी आ जाएगी। सही है, हम ट्रैवल भी करेंगे ना, गर्मी ना लगा हमने। तो भाई हम कहाँ पहुँच गए हैं भाई साहिल? रास्ते में भाई, अभी तो आ लिए होंगे सोनीपत। सोनीपत पार हो गया? बाघ पता लिए भाई, ये हमारे पीछे टेम्पू खड़ा, अभी हम सुसु करने के लिए उतरे थे, सुसु हो गया है, अभी वापिस से बैठते। और भाई बोले बाबा ने मौसम देखो कितना मस्त कर दिया, अक्थम कावड़ लाओ, हरी सहायता मैं करूंगा। चलो भाई बैठ लो उल्टे। क्यों दुखी हो रहा भाई तू? भाई काफी देर हो गई टेम्पू में, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। नहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं, बोर हो रहे। कितने मैच खेल लिए चेस के? 20। 20 तो ना खेले, 4-5 पिछली बार खेले थे, 4-5 इस बार खेले। मैं सारे आ रहा हूँ, एक भी नहीं जीता मगा। मैं हर बार इस बार सोचता सिखा दूंगा तेरे को, मैं हर बार सोचता हूँ ये वाला जीतूंगा, ये वाला जीतूंगा। मौसम देखो भाई, हाय हाय मौसम है सेक्सी। अगर देखिए धूप होती तो हम चल के नहीं आ सकते थे, इतना ना दिक्कत रहती, मतलब जहाँ हम 50 किलोमीटर चल सके ऐसे मौसम में। नॉर्मली हम धूप होती तो 20 किलोमीटर भी ना चले जाते थे गर्मी में। भूख लग रही है भाई। ये हमारे में से एक साहिल है जो पिछली बार कावड़ लेने गया था,
मेरा और भारत का फर्स्ट टाइम है। बिल्कुल भाई, देखते हैं कैसा रहता है। बढ़िया रहेगा यात्रा, अभी तक तो मजे हैं। बिल्कुल है, अभी तक तो मजे आ रहे हैं। मौसम एक तो भाई भगवान ने इतना अच्छा कर दिया, और दूसरी बात भाई अपना चेस वेस खेलते हुए मजे लेते हुए आ रहे हैं, और तीसरी बात भाई यूपी में बढ़ चुके हैं तो यूपी में कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। एक तो हमारे टोल भी नहीं लग रहे। हाँ, टोल भी फ्री है सर। टोल भी फ्री है, कोई पुलिस वाला रुकवा भी नहीं रहा, रुकवाता है तो भाई कांवड़ यात्री बता देते हैं। कांवड़ यात्रियों के लिए पूरी सुविधा कर रखी है सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर, तो भाई कांवड़ यात्रियों के लिए इतनी सुविधा कर रखी है, मतलब पूरा एक रोड खाली कर रखा है जहाँ पे सिर्फ कांवड़ियों की गाड़ी और कांवड़िया पैदल जो भी है वो सब चलेंगे, प्राइवेट गाड़ी नॉट अलाउड। और भाई सुविधा इतनी तगड़ी है ना, चेकिंग मतलब चेकिंग इतनी तगड़ी है, हमारे टेम्पू चेक करने को रुकवा लेते हैं। हम तो खुद कांवड़ यात्री है, हमारी भी चेकिंग हो रही है पर हमें जाने दे रहे हैं। हमारे इस बैग में बम था, फिर हमें वो निकाल के साइड में रखना पड़ा क्योंकि हमारी चेकिंग हो रही है। बम नहीं था, बम बोले था। तो भाई बस हमने एक कमी ये कर दी, हमें भी यार नॉलेज नहीं थी, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो जितने भी टोल वाले पुलिस वाले हमें मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ पोस्टर वगैरह तो लगवाते अपने टेम्पू के आगे, उस चीज की नॉलेज ही नहीं थी यार टेम्पू वाले को, तो बताया नहीं फिर उस वजह से हमें टोल वगैरह भी ज्यादा रोका जा रहा है ना। हाँ बस ये है कि रोक रहे हैं, रोक के बस पूछा था नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो पीछे हर एक इस पे टावर पे, हर लाइट पे, हर एक काम कर ले, एक दो झंडे उतार के अपने इस पे लगा ले। इतने ऊपर हाथ कैसे जाएगा, यो चढ़ जाएगा, यो पतला सा है ना, तो वे वो वाली टेक्निक कर लेना, परने को ऐसे पकड़ के और वो जो नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ते हैं भाई, ये मेहनत करता है ना डेली, नहीं होगा देख ले भाई कर दे ना, तो ये इतने सारे गांव आ रहे इनमें तक तो मांग ले नुका भाई एक झंडा झुंडा दे दे कोई भगवान का, कोई रस्ते में भी ना दिखा। ये भी देखो भाई हमारे पीछे एक और कावड़ यात्री जा रहे हैं। भाई भारत स्टार्टिंग में सोच रहे इतना दुखी हो जाएंगे धूप में, लेकिन भोले बाबा ने झील बना दी, बरसा बरसा के भर दिया भाई रोड, नुका तुम पानी में चलो और ऊपर से भी पानी दूंगा। भाई साहब हमारे टेम्पो में डल रही है वहाँ पे CNG, और इस साइड रोड क्रॉस करके पंडित जी का ढाबा, अभी यहाँ खाएंगे खाना, ये हमारे कावड़ यात्री जान लग रहे। जय, ये देखो भाई कावड़ी कावड़, हाँ हम भी लाओगे कावड़ जल्दी, आज आज रात ना ठानी है, मतलब कल सुबह हम उठा लेंगे सुबह सुबह जल्दी, और फिर कल सुबह हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी भाई। शिव महादेवा, वो पीछे था पुलिस वाला हॉर्न मारे नु क्या भीतर होले, ये कितनी गाड़ी है पुलिस की, ये मेरी सिक्योरिटी मांडा मेरे भाई। हाँ बहुत सारी गाड़ी है भाई, मारे तो एक मना का इस चीज की शर्त लगा ले, कावड़ के लत्ती और पैर दिए आ जा और के भाई पड़ गया फिर बाई चांस, हल्की सी भी चूक होगी, बरसात का मौसम है स्लिपरी हो रहा है सब, अब करी ना तूने थोड़ा माइंड फ्रेश, डिसेंट बात होगी अब तो। भाई खाना वाना खा लिया हमने, मतलब हल्का फुल्का खाया है, दाल चावल और चाय पकोड़े, और अभी कितना टाइम और लग जाएगा हरिद्वार पहुंचने में, ये 3 घंटे 3 या 4 भी लग सकते हैं जाम मिला तो। हरिद्वार आगे कितना रह रहा है, 50 किलोमीटर या ज्यादा, अभी 50 किलोमीटर रह रहा भाई। अभी देखो भाई टेम्पू के ऊपर चढ़ते हो भाई, ये देखो जाम भाई कावड़ियों का, ये हर हर महादेव, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव का वंदन किया करो, भाई हमें 8 घंटे हो गए हैं चले हुए, लेकिन अभी तक हमारी द्वार नहीं, 9 घंटे भाई, 9 घंटे होने, तो क्या प्लान है, आज ही कावड़ उठानी है या फिर सुबह, भाई
आज चल के सोएंगे। सोएगा अभी तो फुल एक्साइटेड था कि आज ही कार उठा लेंगे। एक्साइटेड तो था लेकिन रात इसी रोड से जाना है, लाइट नहीं है, एक भी कुछ भी नहीं, और जो बाकी कावड़ी भाई मेरे ख्याल से ना पैदल का रूट अलग है। क्यों भाई? अलग है भाई, ये तो अलग है। तो अगर देख रात को उठाएगा तो मैं रेडी हूँ रात को चलने के लिए। अभी नींद ले लेंगे रात को। इसकी आँखें हो रही है लाल फुल। 2-3 बजे के आसपास उठा लेंगे। चल 2-3 बजे ना उठा जाओ भाई, फिर या अभी देख लिए ईव्स हो गया 2 बजे ना उठा जावे या अभी सच्चा भाई। कोई नहीं, 4-5 बजे उठा लेंगे यार। कल सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन, कल उठा लेंगे 4-5 बजे तक हो ही जाएगा। तो भाई अभी डिसाइड नहीं आ रहा कि रात को निकलेंगे या सुबह निकलेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ एक बार जाके गंगा मैया बनाएंगे ना, उसके बाद अपने आप एनर्जी आ जाएगी। तो चलो भाई देखते हैं अब क्या होगा, वो आपको कल के व्लॉग में पता लगेगा। अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड। कमेंट में बम बम बोले यार महादेव जरूर लिख देना भाई। चलो गाइस बाय बाय, लव यू, टेक केयर।